हेलो दोस्तों। तो चलो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किचन में कौन से नल लगाए और किस तरह से लगाए। आज हम इस किचन में लगाएंगे लॉन्ग बॉडी विकॉक, और इसमें आप सिंकॉक भी लगा सकते हैं। तो लॉन्ग बॉडी के लिए चाहिए हमें 4 इंची सीपी निप्पल, और उसको एक लॉन्ग बॉडी चाहिए। तो हम पहले सीपी निप्पल में फ्लैंक्स लगा देते हैं और उसको टेपलन टेप से अच्छी तरह से लगा देते हैं। टेपलन टेप लगाने के बाद हम दूसरा भी सीपी निप्पल लेंगे, ताकि यहाँ पे दो नल है तो दोनों नलों को एक साथ ही लगा देंगे। इसको लगाने के बाद हम दूसरे सिपी निप्पल को भी लगा देंगे। ये लॉन्ग बॉडी बिकॉक है, इसको भी हम टेपलन टेप लगा देते हैं। ये दूसरा लॉन्ग बॉडी, इसको भी हम टेपलन टेप लगा देते हैं। इसमें आप सिंकॉक भी लगा सकते हैं, वो थोड़ा अच्छा दिखता है, पर हमें यहाँ पे लॉन्ग बॉडी लगाने के लिए कहा था, तो इसलिए हम यहाँ पे लॉन्ग बॉडी लगा रहे हैं। सिपी निप्पल और लॉन्ग बॉडी को एक दूसरे में लगा देते हैं। उसके बाद ब्रास एल्बो इसमें उसको टाइट कर लेंगे। इसको एडजस्टेबल पाना से टाइट कर लेंगे। नल कभी भी टाइट करते टाइम वो सीधा रहने चाहिए, क्योंकि वो टेढ़ा रहने के बाद अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए उसको सीधा ही रखें। दूसरा लॉन्ग बॉडी बिकॉक लगा देंगे, इसको भी उसी तरह से लगाएंगे। और आपको प्लम्बिंग काम में कौन सी भी दिक्कत आती है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो इस चैनल पे जाइए, और इस पर अलग अलग वीडियो आते रहेंगे। इसके लिए आपको लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारे नए वीडियो अब तक आए और आप देख सकें। देखो सीधे में टाइट हो गया, ये लॉन्ग बॉडी भी कॉक अपना रेडी है। इसमें एक पीने का पानी का कॉक है और एक ड्रेनेज के बोल तो वापरने का पानी का। इसके बाद हम लगाएंगे किचन की वेस्ट कपलिंग। सबसे पहले किचन की वेस्ट कपलिंग लगाते हुए उसके ऊपर का ऊपर साफ करना चाहिए, ताकि वो लीकेज ना हो। उसके बाद हम ऊपर से नट लगा देते हैं, और वेस्ट कपलिंग को टाइट करते टाइम कभी भी पाना या कुछ ज़्यादा जोर से टाइट ना करें, क्योंकि वो उसके थ्रेड स्लिप होने के बाद वो फिट नहीं बैठेगा। जितना हो सके उतना हाथ से ही टाइट करें उसे।
जो किचन वेस्ट प्लेन लगा दिए उसके ऊपर की जाली। इसके बाद हम 7 इंच का पीवीसी पाइप है इसको कटिंग कर लेते हैं ताकि अपना वेस्ट पाइप जिसमें अंदर जाके अच्छे से बैठे उसके ऊपर ना उसके नीचे हो वेस्ट प्लेन के। ये एक्सपीरियंस से पाइप कट हो गया है। उसके बाद ये वेस्ट पाइप उसमें अच्छी तरह से टाइट करके 7 इंच की पीवीसी पाइप में डाल देना है। ये अपना प्लम्बिंग का किचन का सेट रेडी हो गया है। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं।